Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. Question: Gussa aata hai, pata hai nahi karna, kar chukte hain, samne wala karta hai, fir hum aur karte hain, wo aur hum aur, fir ek last hum gussa karne ke baad shant hote hain, fir thodi der baad pachtate hain, gussa nahi karna chahiye tha. तो हम जो फर्स्ट टाइम गुस्सा आया उसी को कैसे रोक सकते हैं, बाद में पछताने की बजाय हम पहले पॉइंट पे गुस्से को रोकना चाहते हैं, उसका क्या उपाय? ठीक है, इसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि बच्ची का आंसर बच्ची के लेवल के लिए होता है. क्वेश्चन हमेशा पूछने वाले के अकॉर्डिंग हम आंसर करते हैं. ओके, अब आपका आंसर यह है कि अगर आप फर्स्ट पॉइंट पे गुस्से को रोकना चाहते हो, देन चेंज योर व्यूज एंड विजन एंड परसेप्शन. जब तक आपका परसेप्शन रॉन्ग है तब तक क्रोध आएगा. क्रोध इज नॉट अ रूट कॉज ऑफ इविल्स. नहीं, अगर क्रोध एक बुराई है तो क्रोध एक मूल जड़भूत बीमारी नहीं है. क्रोध की जो जड़ है ना, वो है, शास्त्र की भाषा में कहूँ, मिथ्या दर्शन. मिथ्या दर्शन की चार संतान है. मिथ्या दर्शन यानी मिथ्यात्व की चार संतान है, यानी उसके फोर बाय प्रोडक्ट्स है, क्रोध, मान, माया और लोभ. तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है ना, वो है मिसअंडरस्टैंडिंग. व्हाट इज द मिसअंडरस्टैंडिंग? आपको क्रोध जब भी आता है, आप देखना उसके पीछे कोई एक धारणा काम कर रही होती है. धारणा क्या? सपोज आपको गुस्सा आता है, आप एक बड़े भाई और छोटा भाई आपके सामने बोल गया, आपका गुस्सा ऐसे आएगा, मैं बड़ा हूँ, वो छोटा होते हुए मेरे सामने बोलता है. पत्नी बोल गई तो गुस्सा आएगा, मैं पति हूँ और वो बोल रही है. आपका कर्मचारी बोल गया तो आप बोलो, मैं ऑफिसर हूँ, मेरे सामने बोल रहा है. कोई टैक्सी वाला कोई ऐसा बोल गया, क्या मैं अमीर आदमी हूँ, मेरी पोस्ट देखो, और ऐसा बोल रहा है. आपको गुस्सा क्यों आया? एक धारणा काम कर रही है. एक ये एक तरह की धारणा है. दूसरी तरह की धारणा होती है, जब आपको गुस्सा आता है उसके पीछे काम कर रही होती है, यार इतना इनको समझा दिया, ये समझते क्यों नहीं है. अब आप उनकी समझ के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हो, फिर आपको गुस्सा आता है, फिर आप चिल्लाते हो, सामने वाला वापस चिल्लाता है. ठीक है, तीसरा, आपके अंदर जब गुस्सा आता है, तीसरा पॉइंट काम कर रहा होता है, मैं जब इतना फास्ट करता हूँ ये इतने स्लो क्यों है. अक्सर तो जेंट्स लोगों को अपनी वाइफ पे गुस्सा इस कारणों से भी आ जाता है, और कई बहुओं को भी सासुओं पे इस वजह से गुस्सा आ जाता है. उल्टा भी है कि जब हम इतना फास्ट कर रहे हैं, इतना स्लो क्यों कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आता, इतनी देर में तो ये काम हो जाना चाहिए था. ठीक है ना, इस तरह की कोई ना कोई हमारे अंदर में एक लेयर है, एक प्लेट है ना, वो काम कर रही है. उसके ऊपर हम सारी घटनाओं को निरीक्षण करते हैं. हम जिन घटनाओं को देखते हैं ना, उसकी व्याख्या हमारा माइंड करता है. माइंड के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि उसके अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी फीडेड है, कुछ ऐसे लाइंस स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी डाउनलोडेड है. अब जो भी कोई बात आती है हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं. ठीक है ना, अब हमें करना क्या? अगर आपको रूट कॉज को जाना है और उसको चेंज करना है कि फर्स्ट टाइम भी क्रोध ना आवे, एक ही बात कि आप सब व्यक्तियों के प्रति देखने का अपना नज़रिया बदलो. वो कैसे बदलोगे? आपको ये समझ में आना कि बड़ा छोटा, पति पत्नी, हकीकत है ये सब खाली कहने के लिए है. बाकी तो हम सब लोग इक्वल लेवल पे इंसान हैं. मतलब जहाँ कहीं रोल प्ले करना होता है, अब दुनिया में हम 4 साल पहले आ गए तो अब हम बड़े हैं, अब कुछ व्यवहार है इसलिए कह देते बड़े हैं. बाकी तो वो भी उतना ही पूरा पुरुष है, आप भी उतने ही पूरे पुरुष हो, वो भी एक पूरा इंसान है, आप भी एक पूरे इंसान हो. तो ऐसा क्यों हम बहुत बार इतना दिमाग में फ्रिज करके रख लेते हैं कि नहीं, बस मैं बड़ा हूँ तो छोटे को मेरे अंडर ही रहना चाहिए, या मैं बूढ़ा हूँ तो बच्चे क्या समझते हैं, अकल तो बूढ़े में ही होती है. मतलब कई बूढ़ों के साथ में ये एक परेशानी है, उनको हमेशा लगता है कि अकल तो उनके पास ही है क्योंकि उन्होंने बाल धूप में थोड़ी पकाए हैं. सॉरी टू से, उनको ऐसा लगता है ये छोटे, इनको क्या पता. तो ये एक तरह की धारणा होती है. फिर छोटा बेटा क्या कहता है? वो कहता है, पापा आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप जूने हो गए. अब उसके पास अपनी एक धारणा है. अब ये दोनों धारणाएं आपस में टकराती है, तब गुस्सा आता है. एक्चुअली गुस्सा आ ही नहीं सकता था, हमारा स्वभाव नहीं है गुस्सा, लेकिन वो हमारे ऊपर बहुत सारी ये प्लेट्स आ गई, ये धारणाओं की कवरिंग हो गई.
अब ये एक धारणा दूसरी धारणा से मैच नहीं करती तो गुस्सा आता है, फिर एक स्टाइल दूसरी स्टाइल से मैच नहीं करती, गुस्सा आता है। भाई तुम्हें समझ आना चाहिए, आप घर में जो क्रॉकरीज लाते हो ना, वो चाइनीज बर्तन है ना, एक के अंदर एक डालने की कोशिश करो, नहीं डलते, सबके स्ट्रक्चर अलग अलग है। अरे यहाँ तो सारे दिमागों के स्ट्रक्चर ही अलग अलग है, तो एक जैसे लोग कैसे हो जाएंगे? बट वी विश, वी वॉन्ट, हम चाहते हैं कि नहीं, मेरा बेटा मेरी तरह सोचे, मेरी बहू मैं जैसे काम करती रही हूँ वैसे ही काम करे, मेरे घर में ऐसी ही सोच चलेगी, नहीं चलेगी। उनकी अपनी पर्सनैलिटी है, उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है। तो हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या है? धारणाएं। ओके, आप कह रहे हो कि क्रोध आवे ही ना, पहले क्षण में मैं कैसे चेंज हो सकता हूँ? पहले क्षण में चेंज होना बोले तो इतना जागृत होना कि आपको अपने सारे मिस कॉन्सेप्ट समझ में आना और उन कॉन्सेप्ट को सारे को अपने से अलग करके रखने की क्षमता होना। कैसे? जैसे अपन जब चाहे तब कपड़े खोलते हैं, वापस जब चाहे तब पहनते हैं, ऐसी धारणाओं को जरूरत हो तो लो और जरूरत नहीं हो तो छोड़ दो। धारणाओं को कपड़े की तरह जो छोड़ना जानता है ना, और जरूरत पड़ने पर ही प्रयोग में लाना जानता है, वो व्यक्ति की जिंदगी में क्रोध आने का कारण ही नहीं, क्योंकि उसमें बोध है। क्रोध क्यों? बोध नहीं। बोध क्यों नहीं? क्योंकि धारणा काम कर रही है, जबकि बोध तो नेचुरल है। जैसे सूरज के साथ प्रकाश नेचुरल है, वो सूरज को प्रकाश लाना नहीं पड़ता, ऐसी आत्मा के साथ बोध का होना, आत्मा में बोध होना, आत्मा में ज्ञान होना, हमारे भीतर प्रेम होना नेचुरल है। लेकिन क्यों नहीं है? जो इतना नेचुरल है वो हमारे पास क्यों नहीं है? बिकॉज वो कवर्ड है, कवरिंग हो गई। किससे कवरिंग हो गई? कॉन्सेप्ट से। और ये कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आए? सोसाइटी से, फैमिली से, बुक्स से, स्टडी से। अरे एक आदमी ने अपने अनुभव की बात लिखी यूनिवर्सिटी से बाहर आने के बाद में, उसे किसी ने पूछा, वो बहुत लंदन की कोई यूनिवर्सिटी से पढ़कर बाहर आया, किसी ने पूछा उसका इंटरव्यू लेते हुए कि आपको क्या लगता है यूनिवर्सिटी में, और वो भी इस यूनिवर्सिटी में आपने 5 साल अपने लगाए, अब आपको क्या फील होता है? उसने कहा जब मैं एंटर हुआ तब 22 था, और अब मैं बाहर आया तब मैं केवल मतलब बुकिश नॉलेज से, तो मतलब ऑर्नामेंटल नॉलेज तो मेरे पास आ गई, लेकिन वो जो मेरी विजडम थी वो कवर हो गई। तो मैंने बहुत कोशिश करके थोड़ी सी विजडम बचा के रखी, वरना तो वो भी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि पढ़ाई हमको दिमाग में इतना कुछ भर देती है कि जो हमारा नेचुरल विजडम है वो ख़त्म भी हो जाता है। वो उस बंदे का एक्सपीरियंस था, ऐसा सबका है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। पता ही नहीं है कि जन्मजात हमारे अंदर बोध की क्षमता होती है, प्रेम की क्षमता होती है, ज्ञान की क्षमता होती है, आत्मीयता होती है, लेकिन हमारी आत्मीयता क्यों ख़त्म हो जाती है? हमें सिखा दिया जाता है ये दरी पे टच हो गया ना, पाप लग गया। ये दरी पे ये एक आदमी की कुर्सी का पैर, एक आदमी की कुर्सी का पैर टच हो रहा है, ये पाप लग गया है, ठीक है ना? अब आपके लिए पाप क्या हो गया? इतना सा। और ऐसे हजारों सेंटेंसेस हमारे दिमाग में बचपन से लेके अब तक हर फील्ड में भर दिए गए। अब जरा कोई आदमी इसमें बोध जगाए कि इसमें पाप क्या हुआ, लेकिन बोध कौन जगाने देगा? कोई नहीं जगाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि हर आदमी ऐसी धारणाओं में ही लिपटा हुआ है, और हर आदमी ऐसे लेप खुद पे चूंकि आ चुके हैं तो दूसरों पे भी डालता है। और यहां ना डालो तो लोग कहते हैं लो इनको तो ये वाला सेंस ही नहीं है, ये बड़ी दिक्कत है। आदमी को अगर फॉर्मेलिटी ना आए, आदमी को अगर ये बड़ेपन का अभिमान ना आए, तो लोग कहेंगे लो ये कोई आदमी है। जैसे वो बोला ना कि गुस्सा ना करो, तो लोग कहते ढीला है, ये लोग ऐसे ही है। तो इसीलिए हर आदमी को धीरे 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 आर्टिफिशियल होना पड़ गया, हकीकत है। वरना प्रेम, बोध, ज्ञान, आनंद और आत्मीयता हमारा स्वभाव है। क्रोध आता ही क्यों? लेकिन आता इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी धारणाएं काम कर रही है, नंबर वन पॉइंट। और इन्हीं धारणाओं की वजह से स्वार्थ पैदा हो चुका है, फिर अहंकार पैदा हो चुका है, फिर वो स्वार्थ और अहंकार क्रोध को लाता है। तो क्या कोई हम में से व्यक्ति अपने रूट कॉज तक जाने के लिए सजग होने की तैयारी करेगा?
करेगा। ये तैयारी करते हो तो आप इंट्रोस्पेक्शन की सही टेक्निक को अपनाओगे और तब आप किसी दिन सही अर्थों में सामायिक को जी पाओगे। दैट इज कॉल्ड फोर्थ आवश्यक ऑफ सामायिक, जो आप यहाँ प्रतिक्रमण में कर रहे हो ना, निरीक्षण। निरीक्षण में ये करना होता है, आदमी को अपने ही डेप्थ में जाना होगा हर घटना के साथ कि आपने क्रोध किया, चलो हो गया, बात खत्म, अब शांति से आँख बंद करके बैठो और निरीक्षण करो कि ये क्रोध फर्स्टली पैदा कहाँ से हुआ था, वो कौन सी धारणा काम कर रही थी जिसकी वजह से क्रोध पैदा हुआ। कोई भी एक एग्जाम्पल लो, जैसे आज आपको गुस्सा आया, किस घटना पे आया, किस बात पे आया, हो गई वो बात तो हो गई, अब आप उस घटना की रूट पे जाना, तह तक जाना, आपको पता लगेगा कि आपके अंदर ये कोई एक मिसकॉन्सेप्ट काम कर रहा, ठीक है। फिर आप उस कॉन्सेप्ट को अपने अंदर से जरा रिमूव करो, अब देखो गुस्सा है क्या, आप हैरान होगे, गुस्सा रहने का कोई कारण ही नहीं है, कारण ही नहीं है गुस्सा रहने का। जैसे कैसे आपको लगता है किसी ने आपका पैसा छीन लिया, आपके हक का था, आपका बनता था, पापा का कमाया हुआ था, वो आपका भी बराबरी का था, लेकिन आपका भाई ले गया, आपको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, ओके। दिस इज द कॉमन घटना ना, आई थिंक हमारी इंडियंस की फैमिली में से 75% फैमिलीज के अंदर में ये बाप की कमाई के बंटवारे को लेकर के बहुत इश्यूज होते हैं। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो 75% ठीक है या उससे ज़्यादा होना चाहिए, मैंने पूछा ही नहीं कम होना चाहिए या नहीं, मैंने पहले ही पूछा ज़्यादा होना चाहिए या नहीं, तो आपको क्या लग रहा है कि 75% से भी ज़्यादा है, ओके। ये प्रॉब्लम हम इंडियंस में बहुत ज़्यादा है कि हम पापा की कमाई के बंटवारे को लेकर के भाई भाई लड़ते हैं, ओके। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे दिमाग की खोपड़ी के कॉन्सेप्ट चेंज कर दिए जाए, हमें ये बताया जाए कि बाप की कमाई के हम हकदार ही नहीं हैं, उन्होंने कमाया, वो जहाँ मर्जी खर्च करे, वो जिसको देना चाहे उसको दे, वो उनकी मर्जी, मेरी कमाई के लिए मुझे पापा ने लायक बनाया ना, इनफ, मुझे बाप की कमाई से कुछ चाहिए ही नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट चेंज कर लो, हमें चाहिए ही नहीं अपने पापा की कमाई का, पापा देवे उनकी मर्जी, ना देवे उनकी मर्जी, वो चैरिटी कर दे उनकी मर्जी, वो कुछ भी सोशल वेलफेयर के लिए काम करना चाहे करे, मेरे को उस धन पे निगाह भी नहीं डालने। मेरा भाव है कि मैं अपनी योग्यता से कमा लूंगा, इतने भरोसे के साथ चलो ना। क्यों ऐसा लगता है इजी मनी मिलनी चाहिए, क्यों ऐसा लगता है बैकअप सारा पापा का ही होना चाहिए, फील्ड सारा पापा का ही होना चाहिए, ऐसा लगता ही क्यों है? एक धारणा है कि पापा का पैसा का मैं हकदार हूँ जितना मेरा भाई है। अब आपके और भाई की बन नहीं सकती क्योंकि पापा उसको 60 और आपको 40 देना चाह रहे हैं। अब आपको बराबरी दो, अरे बराबरी कैसे दे, वो दिमाग से ही नहीं हो रहा है वो निर्णय दिल से भी हो रहा है, और पापा का दिल जो है उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन काम नहीं करेगा, कोई कैलकुलेटर काम नहीं करेगा, कोई कंप्यूटर काम नहीं करेगा, वो दिमाग में काम कर सकता है, बिकॉज कैलकुलेशन इज ओनली कनेक्टेड विद माइंड, हार्ट से कैलकुलेशन कनेक्ट नहीं हो सकती है, नहीं। दिल से कोई आदमी जब किसी से जुड़ता है या देता है या झुकता है तो वहां आदमी क्वांटिटी नहीं सोच सकता, सोच सकता है क्या? सोच ही नहीं सकता। तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हम दिमाग से देख रहे हैं और पापा दिल से चल रहे हैं। अब यहां एक मिसकॉन्सेप्ट है, हमें लगता है मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं, न्यायपूर्ण कह रहा हूं, और पापा को लगता है वो बिल्कुल न्यायपूर्ण है क्योंकि वो अपने दिल की आवाज सुन रहे हैं। लेवल्स चेंज है, एक दिमाग से बोल रहा है, एक दिल से बोल रहा है, दोनों की बातें एक दूसरे को सुनाई भी नहीं देगी, समझ भी नहीं आएगी, और वहां कोई तुलना भी नहीं हो सकती, अतः हमारे अंदर क्रोध आता है। और फिर कई लोगों का ये वाला क्रोध होता है ना कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरी सास ने मुझे कुछ नहीं दिया, फला को सब कुछ दे दिया, मेरे पति को कुछ नहीं दिया, फला को सब कुछ दे दिया, इस टाइप का। ये बीमारी, ये जो पीड़ा, आई थिंक कई लोगों के अंदर जिंदगी के सालों सालों तक बनी रहती है या नहीं? मैं गलत तो नहीं बोल रही, अनुभव आपको ज्यादा है, रहती है ना सालों सालों तक, जिंदगी भर तक बनी रहती है। ये क्यों है? देयर इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। वो काम कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है? पापा की कमाई पे हम हिस्सेदार है,
हम हिस्सेदार हैं, सांस की चीजों पे हम हिस्सेदार हैं, ये हमारे मन में एक कॉन्सेप्ट है कि हम हिस्सेदार हैं, बस यही एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से गुस्सा खड़ा है। अगर मैं पहले ही सोच लिया कि मैं हिस्सेदार हूं ही नहीं, वो उन्होंने कमाया, उनकी मर्जी जिसको देवे ना देवे, अब आपको गुस्सा आ सकता है नहीं। मैं केवल एक घटना के रूट पे जाने का तरीका आपको बता रही हूं। और अगर हम ऐसे ही अपने जीवन की सारी घटनाओं में, जो भी क्रोध की घटनाएं होती है, अगर हम उसकी तह तक जाएं और अपने मिथ्यात्व को पहचान पाएं, मिथ्यात्व मतलब गलत समझ, गलत धारणा, वह धारणा, धारणा मतलब ही गलत ही, एक्चुअली धारणा मतलब ही गलत है, क्योंकि दर्शन में धारणा नहीं होती और धारणा दर्शन पर आवरण है। थोड़ा शास्त्रीय वर्ड है, समझ आया नहीं? दर्शन मतलब आपका परसेप्शन, ओके। परसेप्शन पर जब आप कोई एक प्लेट लगाते हो, कोई पेंट करते हो, कोई एक सेंटेंस लिख देते हो, दैट इज कॉल्ड धारणा, ओके। तो हम सब लोग है ना, अपनी रियलाइजेशन से, अपनी फीलिंग्स से नहीं चलते, हम सब लोग उन सेंटेंसेस के साथ चलते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड धारणा। ये धारणा जब तक है तब तक दर्शन नहीं होता, और जब दर्शन हो जाए तो हमें समझ में आएगा कि उस सोल की फीलिंग क्या है, वो क्यों एक को ज़्यादा दे रहा है, एक को नहीं दे पा रहा। मतलब हम कहते हैं ये अन्याय हो रहा है, पर पता है भगवान महावीर स्वामी और ऐसे बुद्ध पुरुषों ने क्या कहा कि इस पूरे लोक में अन्याय कुछ होता ही नहीं। अब देखो ये बात हमें समझ ही नहीं आएगी, हजम ही नहीं होगी। मतलब हो सकता है आपने ये लाइन सुन ली तो पूरी रात आपको नींद ना आवे कि वो भगवान कह रहे हैं कि इस पूरे लोक में अन्याय जैसा कुछ होता ही नहीं है। अभी लगेगा हजम हो रही है, नहीं हो रही ना, कैसे हो सकती है। वही मैं कहती हूँ ना, हम चौथी कक्षा के विद्यार्थी, वो चौदहवीं कक्षा की बात अभी समझ ही नहीं आती। पर वे वो पुरुष है जिन्होंने पूरे यूनिवर्स को अपने भीतर जान लिया है ना, तो हम उनकी बात पे संदेह नहीं कर सकते। वो क्या कह रहे हैं, द होल यूनिवर्स इज इन ऑर्डर, लोगम च आणाए अभी समेच्छा अकुतो भयम। आचारांग सूत्र का सूत्र है ये, इस पूरे लोक को इन ऑर्डर देख लो और अच्छी प्रकार से समझ लो, अभी समेच्छा अकुतो भयम, फिर तुम्हें भय कहाँ और कैसे रह सकता है, रह ही नहीं सकता। सोचो, उनकी बात की तह तक जाने की कोशिश करें हम, वो जो कह रहे हैं यूनिवर्स में कुछ आउट ऑफ ऑर्डर होता ही नहीं है। जब विराट गुरु जी हमें ये पढ़ा रहे थे ना, तो मेरे मन में भी खुराफात बहुत उठती है। मैंने पूछा, गुरु जी इसका मतलब तो किसी के दिमाग में कुछ भी आया वो सब कुछ इन ऑर्डर ही हुआ। तो गुरु जी बोले, बस एक ही बात पे आउट ऑफ ऑर्डर होता है, वो है दिमाग। वो बोले लोक की घटनाएं सब व्यवस्थित होती है, आदमी का मन अव्यवस्थित है, ध्यान देना, क्योंकि यही चीज हमें समझने की है। घटनाएं सारी व्यवस्थित है, आदमी का मन अव्यवस्थित है, इसलिए आदमी कर्म बांधता है। घटनाएं जो होती है निर्जरा है, व्यवस्था है, फल लगा है तो खिरेगा, निर्जरा है, लेकिन फल जहरीला लगा है वो उसकी गलत सोच है, और गलत सोच के लिए वो आदमी जिम्मेदार है। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? हम वो बात क्लियर कर पा रहे हैं आपको? वापस रिपीट करते हूँ। देखो, भगवान महावीर कह रहे हैं कि पूरा लोक, यूनिवर्स इज इन ऑर्डर, मतलब जो भी घटनाएं घटती है वहाँ न्याय है, अन्याय कुछ नहीं है, ओके। तो अपना दिमाग क्वेश्चन करता है, फिर तो हम कुछ भी करें न्याय है, जब घटना सब कुछ घटती है न्याय है, तो हम कुछ भी करें न्याय है। तो गुरु जी क्या बोले कि आप आउट ऑफ ऑर्डर होते हो, लोक नहीं। चूंकि आप आउट ऑफ ऑर्डर होते हो, आपके दिमाग में गुस्से में, झूठ में, आवेग में, किसी भी तरह के आवेश में, ओके, तो आप अपनी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हो, इसीलिए आपको तो अपना कर्म बंधा, आपको तो अपने सोच का परिणाम भोगना ही पड़ेगा। लेकिन इस प्रकृति में जो घटनाएं घट रही है, उन घटनाओं में कहीं कुछ भी अन्याय नहीं हो रहा है। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से समझते। एक सेठ ने 2 नंबर का 3 नंबर का 4 नंबर का पैसा खूब इकट्ठा किया, ओके, पहले 2 3 4 बोल रही हूं। एक चोर के मन में सोच आती है, वो सेठ का पैसा चुरा के ले गया, ओके।
अब सवाल यह है कि इस घटना का जिम्मेदार कौन, सेठ या चोर? सेठ। देखो सब आंसर सोचते हैं अपन, सेठ जिम्मेदार, क्योंकि सेठ ने जब कमाया फालतू तो चोर की निगाह जाएगी ना, फालतू इकट्ठा करके नहीं रखा होगा तो चोर की निगाह क्यों जाती, और जब सेठ ने पहले चोरी करके कमाया तो उसका पैसा चोरी में गया, ओके, तो सेठ जिम्मेदार। तो प्रकृति में घटना घटी कि सेठ के घर चोरी हुई, ये न्यायपूर्ण है या अन्याय? न्याय, सेठ ने चोरी करके कमाया था उसका पैसा वापस चोरी में गया, न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? एग्जैक्टली नहीं, नहीं सेठ के हिसाब से नहीं देख रहे, अभी हम प्रकृति की घटना में देख रहे हैं कि सेठ ने चोरी करके पैसा कमाया, सेठ का पैसा चोर चुरा के ले गया, न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? न्याय हुआ भाई, चोरी का धन मोरी में, न्याय अन्याय से कमाया था, अन्याय में चला गया, अन्याय के रास्ते चला गया, ओके, यूनिवर्स में तो एक घटना प्रॉपर हुई, कोई अन्याय नहीं हुआ। लेकिन सेठ जब रो रहा है, सेठानी जब रो रही है, तो उसको क्या लग रहा है, इतने सालों की मेहनत चली गई, मेरे साथ तो बड़ा अन्याय हुआ, ओके, तो सेठ के साथ अन्याय हुआ, सेठ ऐसा फील कर रहा है, और हम इस घटना को ओवरऑल बाहर खड़े होकर देख रहे हैं, तो हमें क्या लग रहा है कि सेठ के साथ न्याय तो हुआ नहीं। अगर हम सेठ हैं, डीमोनेटाइजेशन होता है और हमारे पैसे चले जाते हैं, अब बताओ न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? क्या हुआ, अन्याय हुआ? जब खुद की बात आती है तो अन्याय, और जब किसी और की घटना घटी तो क्लियर, अपना मिथ्यात्व समझ में आया, यही मिथ्यात्व होता है, जहां हम इन्वॉल्व होते हैं वहां स्वार्थ होता है, ओके, लोभ होता है, अपना स्वार्थ और अपना लोभ आदमी को प्यारा लगता है, प्यारा लगता है, उसकी पूर्ति होती रही तब तक सब न्याय, मेरे स्वार्थ मेरे लालच की पूर्ति होती रहे तब तक सब कुछ न्याय है। जिस दिन मेरे स्वार्थ और मेरे लालच की पूर्ति होनी बंद हो जाती है, तब मैं चीखता हुआ कहता हूं ये सब कुछ अन्याय हो रहा है, ऐसा ही तो है। तो बताओ यूनिवर्स न्यायपूर्ण है या नहीं? न्यायपूर्ण है, अन्याय कहाँ है? आदमी के अपने साथ, अपनी सोच की वजह से, और जिसको वो अन्याय कह रहा है वो अन्याय हुआ उसके साथ, क्यों हुआ? क्योंकि उसने खुद नहीं तो ऐसा किया था, वो खुद आउट ऑफ ऑर्डर हुआ था, तो उसका धन वापस उस तरीके से चला गया, ओके, अभी क्लियर हुआ? ये सूत्र स्पष्ट कह रहा है कि आप बोध जगाओ कि इस यूनिवर्स में जो कुछ होता है इन ऑर्डर होता है। तो सवाल पैदा हुआ फिर तो हम मन चले हो जाए, हम कुछ भी करें, नहीं, विराट गुरु जी बोले आप जो करोगे आपको वापस उसका भुगतान तो आएगा, और फिर आप चिल्लाओगे कहोगे मेरे साथ अन्याय हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, तुमने जहर का बीज बोया तो जहर का फल आया, अब जहर का फल आना इस यूनिवर्स के अंदर तो इन ऑर्डर है, लेकिन तुम्हारे लिए गलत हुआ, क्यों गलत हुआ? क्योंकि तुमने बीज बोया था, अब तुम बीज बो ही क्यों रहे हो जहर का अगर तुम्हें फल नहीं चाहिए? तो क्रोध एक जहरीला फल है, इसका बीज क्या है? इसका बीज क्या है? गलत समझ, मिथ्यात्व। उस गलत समझ का ही नाम स्वार्थ भरी सोच कह दो, अहंकार भरी सोच कह दो, लालच भरी सोच कह दो, डर भरी सोच कह दो, कुछ भी कह दो, ओके। तो अब आपका क्वेश्चन ये था कि हमें क्रोध आए उसके फर्स्ट पॉइंट पे हमें समझ आना, अगर समझना है इंट्रोस्पेक्शन की प्रोसेस में जाओ, एक एक घटना के अंतर तक जाओ, लेकिन कैसे जा पाओगे? अगर आपने स्वाध्याय नहीं किया तो कैसे जाओगे? अगर आपको फैक्ट्स का ज्ञान ही नहीं है तो कैसे जाओगे, जा पाओगे क्या? आदमी ने अगर प्रैक्टिस नहीं की, फैक्ट कोई नहीं जाना, स्वाध्याय करेगा ही नहीं, स्वाध्याय करना जाना ही नहीं, तो वो अपनी घटनाओं का निरीक्षण सम्यक तरह से करेगा कैसे? तो क्या जरूरी है अभी हमारे लिए? इंट्रोस्पेक्शन कब कर पाओगे? जब इफ यू नो
व्हाट इज द फैक्ट? नहीं, अपने पहला शिविर क्यों लगाया था 10 फैक्ट्स का? पहले 10 फैक्ट्स को समझो, 10 ही नहीं, 100 of 1000s of facts है, उनको समझना होगा। ग्रेजुअली फैक्ट्स को समझो, फिर फैक्ट्स के साथ सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि फैक्ट इज द मिरर जिसमें हम अपना चेहरा देखेंगे। सेल्फ स्टडी करना सीखो, तब आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की टेक्निक डेवलप करोगे, और जब इंट्रोस्पेक्शन कर पाओगे तो आप अपनी रूट को चेंज कर दोगे, और जैसे ही रूट ही चेंज हो गई, ऑटोमेटिकली आने वाले फल बदल जाएंगे। तो आपको अगर फर्स्ट पॉइंट पे जाना है, रूट तक जाओ, क्योंकि फल लास्ट पॉइंट है। रूट इज द फर्स्ट पॉइंट, सीड इज द फर्स्ट पॉइंट, एंड व्हाट इज द सीड? मिसअंडरस्टैंडिंग, मिथ्यात्व इज द सीड ऑफ ऑल टाइप ऑफ एवल्स। ओके, जय हो।